शादी को थोड़ा टाइम है क्योंकि हम लोग अभी प्लानिंग भी कर रहे थे। कब कर रहे थे प्लानिंग? अब बोल, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं बता रहे थे यहाँ पे? चलो ठीक है, मैं नहीं बता रही। क्या खबर किया यार तूने? मैं नहीं बता रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लखनीत ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग है क्यू एंड ए। आप सबसे हमने इंस्टाग्राम पर सजेशंस लिए थे, आपके क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनका आज हम रिप्लाई करने वाले हैं सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो लखनीत फैन क्लब ने पूछा है, व्हेन आई विल मीट यू एंड लखन भाई। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, हम भी कहीं नहीं निकल पा रहे, तो आप भी घर पे रहो। अभी लॉकडाउन खुलते ही मिलते हैं, सब लोग पार्टी करेंगे। आप पार्टी देंगे? हाँ, मैं पार्टी दूंगा, लेकिन पैसे अपने अपने लाने सबको। वाओ, ये किस तरीके की पार्टी है? ये नहीं तरीके की पार्टी है, इस पार्टी को मेरा नाम नहीं। ऐसी पार्टी का कोई वजूद नहीं होता। ये है लखन स्टाइल पार्टी, इतनी चलेगी ना फ्यूचर में ये, आप देखना। क्योंकि कुछ मैं बता दूं, इस जब हम लोग फ्रेंड्स थे तो मैंने इससे बोला था अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए, तो ये मुझे कहता कि एक काम करते हैं, बता एक काम करते हैं, तू अपने पैसे लेके आए, मैं अपने पैसे लेके आऊंगा, मैं भी कुछ खा लूंगा अपने पैसे का, तू भी कुछ खा लियो। तो यार ये जस्टिफाइड है ना? अब पार्टी ये थोड़ी ना, तो पार्टी होती है, तुम अपने पैसे से कुछ खिला रहे हो। वो कैसी पार्टी? वो तो दुख होगा मुझे, मेरे लिए पार्टी थोड़ी, तेरे लिए पार्टी हुई। अब दोनों के लिए पार्टी तो है ना कि यार थोड़ा खुशी होनी चाहिए ना इंसान को, तो अपने पैसे लाओ, खाओ जो मन है। अगर मेरे से, बस मेरे से मिलने से ध्यान रखो ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका फेवरेट लेटर? मेरे को तो लेटर, इंग्लिश वाला लेटर पूछ रहे हो या लेटर जो लंबे लंबे होते हैं? लेटर मेरे को एक बार आया था स्कूल से, जब मेरे को रेस्टिकेट कर दिया था। मैं मेरठ मैं गया था 11th करने, अपनी घर वालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेरे को भेजा था, लड़का हमारा पढ़ेगा बड़े शहर जाके। और मैं 2 महीने वहाँ पे रहा था, 2 महीने बाद मुझे टिकट कर दिया था, क्योंकि मैं स्कूल जाता नहीं था, मैंने कोई क्लास का माहौल नहीं रखा, कोई टाइम खेलने में रहता था। मैं 2 महीने में 4 दिन स्कूल गया था, वो भी आधे से वापस आ गया था। तो आप सोच सकते हो कितना। ओके नेक्स्ट। आपकी मम्मा संसद भवन में जॉब करती हैं? जी नहीं, नीतू की मदर संसद भवन में जॉब नहीं करती। नीतू की मदर इज जी PA टू दी फर्स्ट लेडी, प्रेसिडेंट्स वाइफ, और इन लोगों का घर प्रेसिडेंट एस्टेट में है दिल्ली। लखन हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड? यार ये आपको हमारे पार्ट 2 में पता चलेगा, अभी हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, अभी नहीं देंगे। मैं तो बताने वाला था, मैं तो कितना अच्छा हूँ दिल का लोगों। नहीं, ये आपको पता चलेगा सीजन 2 में। बहुत गंदी है यार ये, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती कुछ। ओके, आप कैसे मिले थे? आपने डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट नहीं देखा ना, प्लीज देखो यार, प्लीज देखो। और सेकंड पार्ट तभी आएगा जब उस पे हमारे 5 लाख व्यूज पूरे हो जाएंगे। कर दोगे इतना तो यार, मैं दिलाऊंगा सेकंड पार्ट, टेंशन मत लो। ओके, फ्यू वर्ड्स फॉर लखन्स मदर। एक मैं बोलूं, गब्बर। बहुत केयरिंग है, बहुत बहुत ज्यादा, एकदम बच्चे की तरह है, बच्चे की तरह है, और सबका ध्यान, मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना, तो वो उस टाइम ही सोच लेंगे, अगर आपने आधा घंटा उनसे बात करी, अगर आप उनके घर गए, तो वो उसी टाइम सोच लेंगे कि मुझे अब इसको कुछ गिफ्ट करना चाहिए या फिर मेरे को इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो इतने अच्छे दिल की है, बहुत अच्छे दिल की है, तो मेरे पास कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है उनके लिए। और उन्होंने आप सबको भी तो गिफ्ट दिया है, इतना अच्छा गिफ्ट आप सबके लिए, जिसकी वजह से मुझे, जिस वजह से मैं तुम्हें मिली हूँ। क्यों? तुम आए हो तभी तो मैं आई हूँ तुम्हारी लाइफ में। कोई सेंस बना इस बात का यार, ये क्या है यार, इसको लेके जाओ, तू जा, तू नहीं खेल, आगे खेल रहा हूँ। सेंस नहीं, आई नो। ओके ओके, आप बहुत स्लिम हो क्या, वर्कआउट करते हो? ठीक है, ये बहुत स्लिम है, ये वर्कआउट करती है, पागलों की तरह वर्कआउट करती है। देखो फोन आने लगे इसके, तो इसका वर्कआउट वाला रूटीन वीडियो हम लोग शेयर करेंगे बहुत जल्दी, जब मैं बता दूं सब्सक्राइबर हो जाएंगे। हाँ, जब 50K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ओके, मैंने 5 मिलियन बोला था, मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, अभी मुझे पता है। अच्छा मैं बताऊं, मैं कुछ बोलूं या आप ही बोलते रहेंगे? मुझे वर्कआउट के बिना मेरा दिन ऐसा रहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, और मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है, मैं वर्कआउट करती हूं, वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग, मैं स्ट्रेचिंग मतलब ही तो कर रहा हूं यार, मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूं बैठ के, बोलो करने के लिए, अब आप अपनी बॉडी को बोलो करने के लिए, बॉडी जाओ रनिंग करके आओ।
ऐसे नहीं, लगन लगन बॉडी तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा मैंने मैंने ना ऐसा देखा लोगों में, अगर लोग समझते हैं कि हम बहुत स्लिम हैं तो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हाँ हम हमें जरूरत ही नहीं है करने की, तो ऐसा नहीं है। वर्कआउट हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर अगर आप बुढ़े हो जाओगे या फिर मतलब हर अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप इन फ्यूचर बुढ़े नहीं होगे। मतलब ये वर्कआउट करें ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं बोल नहीं पा रही हूँ मगर हाँ वर्कआउट करना इतनी बहुत देर से बोल रही है, ये कह रही बोल नहीं पा रही बहुत जरूरी है। और मैं एक दिन भी अगर संडे भी हुआ मैं संडे को भी वर्कआउट करती हूँ। अगर मेरे ट्रेनर कहते हैं कि आज आपको रेस्ट करना चाहिए मैं बोलती हूँ नहीं, तो मैंने कभी वर्कआउट किया संडे था कल, मैं डेली वर्कआउट मैं तीन दिन वर्कआउट छूटा तेरा इसलिए कल किया है तूने लखन झूठ तो आगे मैं बता रही हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, ये लखन की छुट्टी है झूठ बोल मुझे बोलने दो। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं डेली और यहाँ पर ट्रैवल करती हूँ तो मैं रनिंग जरूर करती हूँ। और स्टेयर से यहाँ पर मेरा 11th फ्लोर है तो मैं नीचे ऊपर सीनियर से जाती हूँ। लखन झूठ मत बोलो, नहीं तो सुन मैंने कुछ भी नहीं बोला लेकिन लखन कसम खा लो, लखन कसम खा लो कि मैं डिनर के बाद 11th फ्लोर से नीचे नहीं जाती हूँ। नहीं तो ये वीडियो भगवान भी देखेंगे। ओह नो, ये एक नंबर का झूठा है। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों बहुत वर्कआउट पे बिलीव करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वरना मेरा बेइज्जती करता रहेगा ऐसे। आपकी एज क्या है नीतू? तो स्वीट 16 यही बोलेगी अपने आपको, है ना? जी नहीं, मैं सच बोलती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरे वर्कआउट के बारे में सब सच, मैं 23 इयर्स की हूँ। लखन भी, लखन मुझसे कुछ महीनों में बड़ा है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिलोंग करता हूँ यूपी बुलंदशहर से। नीतू बिलोंग करती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड, वाह उत्तराखंड में कोई जगह होगी ना। अब तो कल को बोले इंडिया से, तो हर साल अपने गांव विजिट करती हूँ। अरे गांव कहाँ है वो तो बता। हमारा गांव है समझ गए, कारचुली में चखोटिया मार्केट है उसके पास। मुझे एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्योंकि हमारे गांव के बड़े अजीब अजीब से नाम है। मासी नाम है क्या के? मैं बताती हूँ ना कैसे कैसे नाम है उत्तराखंड में। मासी, चखोटिया, कोटद्वार, बहुत झूठ मत बोल यार। इसका गांव है चकोटिया से नीचे, ये चकोटिया मार्केट है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। चकोटिया मासी ये सब मार्केट है, उसके बीच में हमारा गांव पड़ता है। और हमारा गांव बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर। फोटोज तो मैंने देखे, सुंदर तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा है आपके रियल कितने ब्रदर सिस्टर हैं? मेरे दो भाई और हैं, एक का नाम है करण, एक का नाम है यश, एक बड़ी बहन है। और नीतू मेरी दो बड़ी बहन है मुझसे, उसके बाद मेरा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, बहुत क्यूट और छोटी सी। ओके व्हाट इज योर फेवरेट फूड? लखन का फेवरेट फूड है, अगर उसका वेज डे है नॉन वेज डे है तो वो सिर्फ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक नॉन वेज ही खाएगा। और अगर उसका वेज डे है तो वो कड़ी चावल खाएगा, राजमा चावल खाएगा, सांबर चावल खाएगा, ये तीनों के अलावा वो कुछ टच नहीं करता। और वो मीठा इतना खाता है, ये बोलता है कि मुझे मीठा ही पसंद और रेड वेलवेट केक भी इतना खाता है, इतना खाता है। अभी यहाँ पर आसपास सीओज नहीं है, अभी ओपन भी नहीं है शायद, तो ये नहीं खा पा रहा है। ये इतना मीठा खाता है, ये बोलेगा मैं मीठा नहीं खाता, मीठा नहीं, और बहुत मीठा खाता है। नेक्स्ट, अच्छा मेरा फेवरेट फूड बता दो। भिंडी, बस मैं भिंडी खाती रहती हूँ। सब कुछ तो खाती है यार, नूडल्स खाती है, भिंडी खाती है, सुशी खाती है, सांबर चावल खाती है, राजमा चावल खाती है, ये सब तुम खाते, तुम्हारी वजह से मुझे खाना पड़ता है। ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कुछ नहीं पता मेरे बारे में। आप दोनों अलग अलग फ्लैट में क्यों रहते हो? भाई अभी हमारी शादी नहीं हुई है और शादी और... के बाद ही हम साथ रह पाएंगे ना, शादी से पहले कैसे रह पाएंगे। इसका घर थोड़ा दूर है मेरे घर से, मतलब मेरे फ्लैट से, मेरे इसको वहां से यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती थी, मेरे को यहाँ से वहां जाने में दिक्कत हो रही, तो हमने बीच जगह में घर ले लिया, जिस वजह से आप लोगों के लिए मिल पाते हैं। और आप लोगों के लिए आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अगर होगी तो लव मैरिज ही होगी। शादी में जरूर आना। शादी कब कर रहे हो? शादी हम लोग करेंगे, अभी हमारी शादी को थोड़ा टाइम है क्योंकि हम लोग अभी प्लानिंग भी कर रहे थे। कब कर रहे थे प्लानिंग? अब बोल, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ये नहीं बता रहे थे यहाँ पे? चलो ठीक है, मैं नहीं बता रही। क्या कवर किया यार तूने? मैं नहीं बता रही। ओके फाइन फाइन, मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लखन, हाउ यू मेट खुशी? हाउ शी मेट खुशी? ओके तुम बताओ पहले। हम लोग गोवा गए थे, हमारा गोवा में एक इवेंट था जो हो नहीं पाया।
लेकिन उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हम खुशी और विवेक भाई से मिले और वो दिल के बहुत साफ है। खुशी एकदम ऐसी है और विवेक भाई एकदम ऐसे है। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों सेम सेम है और हम चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अभी भी हम हर दूसरे दिन वीडियो कॉल पे बात करते हैं, चारों ग्रुप ज्वाइन बना के और एक बी पॉजिटिव नाम से ग्रुप बनाया हुआ है मेरे बड़े भाई ने और उस पर हम लोग बड़ी मस्तियां करते हैं। मतलब वो इवेंट नहीं हो पाया वहां पर हम गोवा में, मगर जो हुआ वो बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो बहुत अच्छा हुआ कि हम उन लोगों से मिले। लेकिन बहुत बहुत अच्छे हैं दोनों, बाय हार्ट बाय नेचर वी आर ब्लेस्ड कि हम उनसे मिले किसी भी बहाने, और बहुत सपोर्टिंग है। इनफैक्ट उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट करें, तो आज ये चैनल जो आप देख रहे हो ये सब उनकी वजह से है। स्टार्ट भी कराया और जितना शायद कोई सपोर्ट नहीं कर सकता किसी को उतना सपोर्ट कराया, शाउट आउट्स दिए, लोगों को बताया, अपने सारे ऑडियंस को इधर भेजा कि कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में मुझे नहीं लगता कोई इतना कर सकता है किसी के लिए। बहुत सल्यूट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली देख रहे होंगे यार, शेयर भी तो करनी है आपको। अच्छा ये नहीं कहा कि राजा चौधरी से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड। अरे यार आप लॉकडाउन खुलने तो दो एक बार, या तो आपको खुशी और विवेक भाई इधर मिलेंगे या हम दोनों उधर मिलेंगे, और हम बस हम लोग हम चारों वेट कर रहे हैं लॉकडाउन ओपन होने का। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही हम भागेंगे या वो इधर आएंगे और चारों के साथ ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग भी देखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लखन, टेल समथिंग गुड अबाउट लखन भैया। मुझे तारीफ सुनना बहुत पसंद है। कोई तारीफ वाली गुड नहीं है, लेकिन तुझे गुड बोलना है, उन्होंने बोला ना तो बस अच्छा अच्छा बोल, अगर कुछ अच्छा नहीं भी तो बना के बोल, लेकिन अच्छा बोल, है ना। मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं अपनी फैमिली अपनी मम्मी और सिस्टर से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, वैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ, आपको भी अंधकार ही अंधकार, इसलिए इसके कोई भी गुण अच्छे नहीं है। ये हमेशा मुझे डांटता रहता है और कभी मुझे बात नहीं करता, और मुझे खाने के लिए बोलता रहता है थोड़ा मोटा हो जाओ, मोटी हो जाओ, मोटी हो जाओ, ये खाओ, और मोटी होने के लिए खाने के लिए होता है पिज्जा, बर्गर, पास्ता, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये सब खाने के लिए होता है केक, मतलब इसलिए सारे क्या बोलूं भगवान गंदे गुण। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बैड हैबिट्स ये बोल रही है, नाम नोट कर लो, नीतू विश भगवान जी सब देख रहे हैं, भगवान आप हमें पता, मुझे पता आप सब देख रहे हो कि मुझे कैसे ट्रीट करता है। शट अप नीतू, भगवान देख रहे हैं तू, लगता है तू जबरदस्ती करके खाना खाने के लिए, ये खा ये खा, अरे 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 बंदे के सामने गाली बोल, एक सोनी चिकन देश करता मिला है, क्या नहीं लाइन लगी थी मेरे पीछे लाइन लड़कों की, मैंने तुम्हें जो किया तुम मेरे पीछे आए थे, ओके तुझे लाइन लगी हुई थी, हां जी हां, तो क्या आधार कार्ड सेंटर पे काम करेगी तू? अच्छा मैं बता दूं लखन की एक ये टॉपिक, ये क्वेश्चन खत्म होने से पहले लखन की एक बात है, अगर लखन किसी को कुछ खिला रहा है, स्पेशली मुझे अगर वो कुछ खिला रहा है और अगर मैंने मना कर दिया तो लखन गुस्सा हो जाएगा, लखन ऐसा हो जाएगा कि तूने मना कैसे किया, ठीक है फिर मुझे खाना पड़ता है, मैं खा लेती हूँ, मैं 90% खा लेती हूँ, मुझे मन नहीं होगा तो मैं खा लेती हूँ, अगर कोरोना वाली वीडियो वैक्सीन वाली वीडियो होगी कि मेरा टेस्ट लगा था मैं खा ली, और अभी रिसेंटली क्या नहीं होता है सबसे हम दोनों, तो ये होता ही, अगर मैं सब कुछ खिला रही हूँ ना तो पता क्या कहेगा, हाँ यार वो थे ना सीसी पैटर्न सीबीएसई में, और ट्वेल्थ में यार मेरे आए थे शायद 80 थे, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा की वजह से मुझे डीयू एसआरसीसी में मिल गया था, नहीं मिला था यार झूठ बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स कोटा की वजह से डीयू नॉर्थ कैंपस में मिल गया था, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया अफसोस मैचेस की वजह से, और मैं अभी भी फर्स्ट ईयर में हूँ, पिछले 4 साल से जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है वो मेरे से सीनियर हो चुका है। ओके मैं बताती हूँ, मेरी 10th में आई थी 98 और 12th में आई थी इसकी 120%। जब झूठ बोले तो ऐसा बोलना जो बिल्कुल सब कुछ पार कर दे यार, प्रूफ चाहिए, तुम्हें प्रूफ चाहिए, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, नहीं दिखा रही क्या कर लोगे 98% कल क्या लोगे मेरा, अरे 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 समझ गए, इसके 98 आई थी, सारे सब्जेक्ट के मिला के ना 98 हो रहे थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आपका निकनेम नहीं आपका निकनेम, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका निकनेम, लखन का निकनेम है लकी, लखू, आंटी इसको लकी बोलती है, अंकल इसको लखू कहते हैं, और मैं इसको लक्स कहती हूँ, तो उसके 3 निकनेम है, और मेरा है इसका मैं बता दूं, नीतू चटोरी, और क्या बोलते हैं आंटी तेरे को,
नीतू बोलती है, चटोरी बोलती है। मेरी मम्मी सिर्फ मुझे नीतू ही बोलती है और लखन भी मुझे नीतू ही बोलता है, इसने मेरा कोई निकनेम नहीं रखा। मैं प्यार से बोलती हूँ, कभी उसे प्यार से नहीं बोलता। तू प्यार लायक है भी नहीं, ठीक है? कभी प्यार से बात नहीं करता, हमेशा मुझे कोई बात नहीं। सॉरी। तो ये ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, इसका भी पार्ट टू आएगा। तो अपने क्वेश्चंस प्लीज रेडी रखना, हम लोग आपके क्वेश्चंस का फिर से आंसर करेंगे, स्टोरी डालेंगे और क्यू एंड ए के लिए पूछेंगे। तो आप लोगों के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, अब फिर से हम ऐसे आंसर देंगे। तो आज का ब्लॉग सब्सक्राइब करो और यार बेल आइकन पे टैप करो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे जब भी हम ब्लॉग डाल रहे हैं। हाँ, प्लीज हमारे बेल आइकन को प्रेस करो, क्लिक करो, ताकि ऐसे ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा कल आएगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह प्यार दे रहा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय।